हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत हियर और आज हम आपके सामने टाटा स्काई डीवीआर सेट टॉप बॉक्स का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। चलिए, जब भी आप टाटा स्काई का डीवीआर सेट टॉप बॉक्स परचेस करना चाहेंगे थ्रू ऑनलाइन या थ्रू ऑफलाइन, तो आपको एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स मिलेगा। जब इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक डीवीआर टाटा स्काई का डीवीआर सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, एक पावर एडेप्टर मिलेगा, यू विल गेट वन रिमोट ऑल्सो, और एक ये छोटा सा यूएसबी डोंगल मिलेगा जो कि एक वाईफाई अडेप्टर है। आप कह सकते हैं आप अपने सेट टॉप बॉक्स पे इसको इंसर्ट करेंगे और आपके घर के वाईफाई मॉडम से ये कनेक्ट हो जाएगा। और टाटा स्काई में एक वीडियो ऑन डिमांड का फीचर है जिसका आनंद आप ले सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेट टॉप बॉक्स पे आते हैं। नॉर्मली कोई भी डीटीएच प्लेटफॉर्म है वो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स देती है जो कि अब आजकल सभी कंपनियों ने बंद कर दिया है। फिर उसके बाद एक एसडी सेट टॉप बॉक्स रहता है, फिर आजकल एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्सेस भी आ गए हैं, और एक डीवीआर सेट टॉप बॉक्स रहता है। डीवीआर सेट टॉप बॉक्स जैसा कि नाम कह रहा है एक रिकॉर्डिंग सेट टॉप बॉक्स रहता है। टाटा स्काई डीवीआर सेट टॉप बॉक्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं टाटा स्काई प्लस। इस सेट टॉप बॉक्स में 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है जो कि प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो उस हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। चलिए आज इस पूरे बॉक्स के बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। बॉक्स के आप फ्रंट पैनल में जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ वीडियो ऑन डिमांड जो कि टाटा स्काई का एक फीचर है। आप टाटा स्काई कस्टमर केयर में कॉल करके वीडियो ऑन डिमांड जो उनके प्लेटफॉर्म में है वो वीडियोज और वो मूवीज आप देख सकते हैं। फिर यहां लिखा हुआ है टाटा स्काई प्लस। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टाटा स्काई प्लस या टाटा स्काई डीवीआर सेट टॉप बॉक्स दोनों एक ही चीज है। फ्रंट पैनल में कोई भी कीज नहीं है, नॉर्मली बाकी सेट टॉप बॉक्सेस में रहते हैं। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रिमोट, अलर्ट और स्टैंड बाई। ये जो तीनों जो यहां लिखे हुए हैं ये इनमें एलईडी इनबिल्ट है। ये ग्लो कब होंगे, जब आप इसके ऊपर सरफेस में आप नजर डालेंगे तो आपको यहां पर एक पावर ऑन ऑफ स्विच का बटन मिलता है। इसको प्रेस करने से सेट टॉप बॉक्स ऑन ऑफ स्टैंड बाई मोड में जाता है। फिर जब ये जो लिखा हुआ है इस पे आपको इंडिकेटर का साइन दिखता है। बाजू में आएंगे तो आप देखेंगे एक यूएसबी पोर्ट है, जैसा कि मैंने बताया वो टाटा स्काई के ये जो डोंगल है इसको इंसर्ट करना है और आपके घर के वाईफाई मॉडम से ये कनेक्ट हो जाएगा। बाजू में आएंगे तो आप देखेंगे वीविंग कार्ड है जिसे मैंने अभी निकाला, फिर आप इसे वापस इंसर्ट करेंगे। नॉर्मली हम आजकल देख रहे हैं कि कंपनी सेट टॉप बॉक्सेस में वीविंग कार्ड को हटा दे रही है, लेकिन टाटा स्काई की इस सेट टॉप बॉक्स में आज भी वीविंग कार्ड वाला फीचर है। आपको वीविंग कार्ड लगाना ही पड़ेगा, कंपनी लगा के देगी। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रियर पैनल पे। रियर पैनल पे आप देखेंगे ये जो सैटेलाइट इन का जो पोर्ट है ये आपके घर के छत पे जो डिश एंटीना लगा है वहां से केबल आएगा और इसमें इंसर्ट होगा। बाजू में अपन आते हैं तो जो ट्रेडिशनल कंपोजिट पोर्ट है जो हम पुराने जमाने से इस पोर्ट को हम जानते हैं, ये वीसीआर में होता था, डीवीडी प्लेयर में होता था, तो सेट टॉप बॉक्सेस में भी होता था जब सेट टॉप बॉक्स की क्रांति इंडिया में 2006-7-8 में आई। तो एक कंपोजिट पोर्ट ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए है कि जिनके घरों में आज भी पुरानी टीवी है वो एंजॉय कर सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, कंपोनेंट पोर्ट जो कि एसडीएमआई के पहले एसडी रिकॉर्डिंग देखने के काम आता था उसे कंपनी ने हटा दिया है। तो कंपोनेंट पोर्ट जो YPBPR जो 6 RCA सॉकेट थे वो हटा दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो ये ऑप्टिकल पोर्ट दिया गया है, ये एक्चुअली कोएक्सियल केबल इंसर्ट करने के लिए। डिजिटल साउंड आपको यहां से मिलता है, जैसे आप साउंड बार लगाना चाहते हैं है ना, कोई फाइबर केबल यहां पर लगा के आप डिजिटल साउंड का एंजॉय कर सकते हैं, डिजिटल साउंड एंजॉय कर सकते हैं। अब बाजू में आएंगे तो एसडीएमआई आउट है, एसडीएमआई एसडी रेजोल्यूशन के लिए यहां से केबल आपके टीवी के इन में जाएगा। केबल भी उन्होंने प्रोवाइड करता है, केबल इस बॉक्स में मैं यहां पर नहीं है पर दे प्रोवाइड एसडीएमआई केबल ऑल्सो। देन बाजू में हम देखेंगे इथरनेट पोर्ट, हर कोई जानता है इथरनेट पोर्ट में इंटरनेट का काम आता है। बाजू में वही यही जो यूएसबी पोर्ट जो यहां दिया है एक और यहां दिया है, ये पावर एडेप्टर केबल इंसर्ट करने के लिए है, ऐसा इंसर्ट करेंगे ठीक है। फिर उसके बाजू में फैन है,
कूलिंग के लिए, ताकि सेटअप बॉक्स ज्यादा हीट ना हो। तो ये सेटअप बॉक्स का रिव्यू रहा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। फ्रंट पैनल में कोई पावर बटन्स नहीं है, टॉप सरफेस पे पावर बटन है ऑन ऑफ के लिए, बाजू में व्यूइंग कार्ड है, एक यूएसबी पोर्ट है, और रियर पैनल में सैटेलाइट इन का जो पोर्ट है कंपोजिट पोर्ट है, डिजिटल साउंड के लिए एक पोर्ट है, एचडीएमआई रेजुलेशन के लिए एचडीएमआई पोर्ट है, इंटरनेट इथरनेट केबल के लिए इथरनेट पोर्ट है, एक एक्स्ट्रा यूएसबी पोर्ट दिया गया है, और ये पावर केबल के को इंसर्ट करने के लिए दिया, और ये कूलिंग के लिए फैन इसके अंदर इनबिल्ट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें 500 जीबी का हार्ड डिस्क लगा है, आप 650 घंटे के कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण फीचर मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक साथ 3 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप एक स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप एक कोई इंफोटेनमेंट चैनल देख रहे हैं, उसके बाद मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप तीनों चैनल एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उनको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यदि चौथे चैनल में जाना चाहेंगे तो आपको एक चैनल का रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। हाँ, तीनों चैनल रिकॉर्डिंग होते हुए आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग मटेरियल देख सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो मटेरियल आपके हार्ड डिस्क में है उसको आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हुआ सेटअप बॉक्स का अनबॉक्सिंग और सेटअप बॉक्स का पूरा रिव्यू। अब हम जाएंगे छत पे, जहां पर हम टाटा स्काई के डिस्क का थोड़ा रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल प्रकार का एलएनबी टाटा स्काई प्रोवाइड करता है, जिसे सुपर एलएनबी कहते हैं। नॉर्मल एलएनबी में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक स्पेशल सुपर एलएनबी लगाना पड़ता है। एक चीज और ध्यान देंगे, जो अदर कंपनीज की सेट टॉप बॉक्सेस, जो डीवीआर सेट टॉप बॉक्सेस आती थी, जो कि अब अदर कंपनीज ने बंद कर दिया है, जैसे कि एयरटेल ने ऑफ कर दिया है, तो उनमें 2 पोर्ट रहते थे, मतलब आपको रूफ से 2 केबल लाना पड़ता था। लेकिन टाटा स्काई में ये एक अच्छी ये चीज अच्छी है कि आपको एक ही केबल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए छत पे चलें। अब हम हमारे घर के छत पे आ गए हैं, जहां पर टाटा स्काई का डिस लगा हुआ है। आप देखेंगे टाटा स्काई में ये नॉर्मली एक स्पेशल एलएनबी लगता है, इसे सुपर एलएनबी बोलते हैं। सुपर एलएनबी का फीचर होता है जिसके कारण आप एक प्रोग्राम वॉच करके दूसरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्पेशली मैं ये चीज़ बताने के लिए ही ये छत पे आया हूँ कि टाटा स्काई के डिश में, बहुत ही अच्छा डिश है, अच्छी क्वालिटी की डिश है, उसमें जो एलएनबी लगता है उसको सुपर एलएनबी कहते हैं। वाइट कलर का एलएनबी रहता है, नॉर्मली ट्रेडिशनल एलएनबी से थोड़ा बड़ा रहता है साइज में, और उसका फीचर यही है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स देख सकते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। चलिए, अब मैं आपको, हम नीचे चलते हैं और पूरा इंस्टॉलेशन करके बताते हैं आपको। चलिए, हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम छत से नीचे आ गए हैं। छत से नीचे आने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि एलएनबी से एक केबल ये आया है जो यहाँ इंसर्ट हुआ है सैटेलाइट इन पे, ये एचडीएमआई आउट है जो एलईडी के इन में गया है, और ये पावर केबल लगा दिए। देखिए, पावर केबल लगाने के बाद एक एलईडी ग्लो हो गया है। अब हम ये ऊपर सरफेस में प्रेस करेंगे तो ये एलईडी ग्रीन एलईडी में बदल गया, और सेट टॉप बॉक्स टीवी हम ऑन कर रहे हैं, ये टीवी हमारा ऑन हो रहा है। जिंदा लाला सैटरडेज ऑफर के साथ सब्सक्राइब कीजिए टाटा स्काई स्मार्ट गेम्स और खेलिए 300 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स, जीतिए जीटोस और उन्हें रिडीम कीजिए फॉर अमेजिंग टॉयज। वो भी सिर्फ एक टाटा स्काई का इंटरफेस आया, है ना। अब हम जैसे आपको ये दिखाना चाहेंगे, मैं अभी म्यूट कर दे रहा हूँ चैनल को। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग फीचर, बॉक्स ऑन हो गया है। ये देखिए, ये अडेप्टर में जो बताया हूँ, एडेप्टर आप लगा के, यदि आपके घर में वाईफाई मॉडम है तो वाईफाई मॉडम से ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक चैनल चालू किया 454 स्टार स्पोर्ट्स 1 HD। ठीक है, हम अब देखिए रिकॉर्डिंग बटन दबा रहे हैं, देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, ये रिकॉर्डिंग यहाँ शुरू हो गया। अब हम जैसे मान लो देखना चाहते हैं कोई दूसरा चैनल, दूसरा चैनल में अपन ले लेते हैं जैसे 463, एक दूसरा चैनल है, आप देखेंगे है ना स्पोर्ट्स पर। हम आपको एक काम करते हैं, कोई दूसरा चैनल लगाते हैं। देखिए, ये न्यूज चैनल है IBC 24, हम ये देखना चाहते हैं। हमने रिकॉर्ड दबाया, देखिए रिकॉर्ड शुरू हो गया। ठीक है, अब हम जैसे मान लो कोई दूसरा चैनल देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ जाओ
ये कोई फूड का चैनल है, फूड रेसिपी चैनल है, हम मान लो इसको रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग इवेंट पूछता है, और देखिए तीन प्रोग्राम अब ये एक साथ रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, देख रहे हैं आप। अब अपन किसी चौथे चैनल में जाना चाहेंगे तो देखिएगा ये चैनल हम नहीं जा पाएंगे, देखिएगा जैसे हमने 463 को दबाया तो ये फीचर आ रहा है, यू आर ट्राइंग टू वॉच द फॉलोइंग चैनल, ऑलरेडी ये तीन रिकॉर्ड हो रहा है, तो अपने को यदि ये चैनल देखना है तो किसी एक को बंद करना पड़ेगा, जैसे हमने किसी एक को आके हमने और बंद करने के लिए आपको ये टीवी का बटन दबाना पड़ता है स्टॉप में, हमने एक ठुक को बंद कर दिया तो देखिए हम वो नया चैनल हम देख सकते हैं। अच्छा अब बात ये आती है कि रिकॉर्डिंग होके प्रोग्राम कहाँ जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग होके प्रोग्राम को आप देखने के लिए अपने के रिमोट में प्लान बटन को दबाएंगे, प्लान बटन को जैसे ही दबाएंगे आप तो यहाँ पर आएगा सर्च और रिकॉर्डेड, तो आप रिकॉर्डेड पे आएंगे, जैसे रिकॉर्डेड को आप दबाएंगे देखिए पूरे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है जो मैं इतने दिनों से रिकॉर्ड करके देखा हूँ, IPL चल रहा है, IPL कुछ मूवी चल रही है, कुछ सीरियल्स चल रहे हैं, कुछ न्यूज़ चल रहे हैं, तो आप देखिए मैं ये मंगलवार का चैनल 7:20 से 11:25 को है उसको प्रेस करता हूँ और हम ये चैनल देख ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सैटरडे सॉरी आज तो खैर सैटरडे है, जो 27 अप्रैल को रिकॉर्डिंग हुआ था देखिए उसको हम देख रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करने में या सीरियल रिकॉर्डिंग करने में, डांस इंडिया डांस रिकॉर्डिंग करने में, सावधान इंडिया रिकॉर्डिंग करके देखने में, है ना, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, खैर यूट्यूब चैनल में तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप प्रोग्राम को कैप्चर करके यूट्यूब में पोस्ट करें, पर अपने दोस्तों से प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं, तो ये सब फीचर है, या मेनली इसका ये फीचर है कि इस प्रोग्राम को आप एक एक साल बाद भी देख सकते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है बहुत ही अच्छा सेट टॉप बॉक्स टाटा स्काई ने बनाया है, इसके लिए मैं टाटा स्काई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बॉक्स बहुत ही हाई क्वालिटी का है, इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क है, एक साथ तीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए होपफुली आपको पसंद आया होगा मेरा ये रिव्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू वेरी मच।